गैस सिलेंडर का दाम उतना ही बढ़ गया। जब तक भाजपा आई है कमर तोड़ महंगाई लाई है। केंद्र सरकार महंगाई पे रोक लगाए, हम उससे मांग करते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। मैं हूं आपके साथ रिया सुमन। देखिए इस वक्त व्हाइट फ्लैट रोड पे जहां पे लगातार महिला नजर आ रही है। देखिए यहां पे भाजपा सरकार जब आई है दम घुटना महंगाई लाई है, यानी देखिए कितनी महंगाई है। महंगाई को लेकर लगातार रोड पे लोग नजर आ रहे हैं। आपको बता दें जिस तरह से महंगाई आसमान छू रहा है, एक तरफ केंद्र सरकार कह रहे हैं कि सभी तरह का योजनाओं का लाभ लोगों को मिल रहा है, लेकिन एक तरफ देखिए महंगाई सर छू रहा है। आइए महिलाओं से बात करेंगे। कहाँ से आए? जनशक्ति कम्युनिस्ट पार्टी। क्या लग रहा है महंगाई कितनी बढ़ गई है? बहुत बढ़ गई है महंगाई के मारे गरीबों का हालत खराब है, मुश्किल हो रहा है जीना। गैस सिलेंडर का दाम उतना ही बढ़ गया। जब 400 रुपए गैस सिलेंडर था तो स्मृति ईरानी लेकर के रोड में बैठती थी कि महंगा हो गया गैस, चूड़ी पहन लो मनमोहन सिंह। अभी कहाँ गई? अभी स्मृति ईरानी को सामने आना चाहिए। जब 1200 रुपए गैस मिल रहा है, 1200-1300 रुपए गैस जला रहे, सारा चीज महंगाई हो रहा है। महंगाई कम? महंगाई कम नहीं, जब तक भाजपा आई है कमर तोड़ महंगाई लाई है। भाजपा की सरकार रहेगा महंगाई कम नहीं होगा। इसलिए हम लोग भाजपा को हटाने के लिए, संविधान को, देश को बचाने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। नहीं, भाजपा सरकार जो है वह महंगाई और बेरोजगारी का प्रतीक है। वह जब तक दिल्ली में रहेगी तब तक जो है देश में महंगाई और बेरोजगारी रहेगा। तो उसको हटाकर दूसरा अल्टरनेट जब तक नहीं आएगा तब तक जो है देश की समस्या समाप्त नहीं होगी। इसलिए हम लोग उस सरकार को हटाने की कोशिश में लगे। वो झूठा है, वो कहा था कि हर साल जो है सो देंगे नौकरी 2 करोड़, नौकरी के जगह पर छटनी हो रहा है। अरे भाई, आज तो महंगाई चरम पे है। केंद्र सरकार महंगाई पे रोक लगाए, हम उससे मांग करते हैं। महंगाई से आज लोगों का जीवन जीना दुभर हो गया है। 1200 का सिलेंडर, पेट्रोल डीजल सारे महंगे के महंगे हो गए, खाद्य पदार्थ महंगे हो गए हैं। उस पे रोक लगाए नरेंद्र मोदी। इस सभा के माध्यम से, इस जुलूस के माध्यम से हम नरेंद्र मोदी से मांग करते हैं, केंद्र की सरकार से मांग करते हैं कि महंगाई पे रोक लगाए। क्या लग रहा भैया कि महंगाई सर छू रहा है? एकदम जितना चिड़चिड़ाती धूप में हम लोग ने मोदी हटाने के लिए नारा दिया है, उससे भी ज्यादा महंगाई है। इसी के चलते ये बूढ़ बुजुर्ग बच्चा लेकर हम लोग आंदोलन करने जा रहे हैं। लास्ट ये आंदोलन है, भाजपा हटाओ, देश बचाओ, संविधान बचाओ। हम चाहते हैं, इन्होंने वादा किया था हर साल 2 करोड़ रोजगार देंगे, लेकिन इन्होंने नहीं दिया। उससे भी ज़्यादा इन्होंने प्रीपेड मीटर सबसे ज़्यादा बिहार में, क्या बिहार में चांदी के तारों से जाता है बिजली? इन्होंने 10 रुपया यूनिट कर दिया है, जो कि दिल्ली सरकार को देखिए 200 यूनिट बिजली फ्री में देती है। गुजरात में देखिए, गुजरात में भी अलाउंस हुआ है, वहाँ पे भी बिजली सबसे कम दर में है, महाराष्ट्र में भी कम दर। लेकिन बिहार का आज बच्चा रो रहा है, जिसके घर में प्रीपेड मीटर लग गया है वो सुबह शाम खाना नहीं खा रहा है। ऐसा हालत है कि 200 रुपया खर्चा आता था वो हो गया है 2000 रुपया। कब कितना काट लेगा, सब लोग घबराए हुए हैं। जब तक ये प्रीपेड मीटर नहीं हटेगा तब तक हम लोग आंदोलन करने गए। सीपीआई है ऐसी पार्टी है जिन्होंने इस बिजली दर के लिए इतना बड़ा आंदोलन किया है और हमेशा करता रहेगा। गरीबों की पार्टी है, हमेशा हम लोग लड़ेंगे गरीब के लिए। ऐसे ही तमाम अपडेट के लिए हमारे साथ जुड़े रहे। अगर इस वीडियो को आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो लाइक करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं सब्सक्राइब करें। कैमरा पर्सन ससी मैरिया पटना, धन्यवाद।